तुमको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मतलब एक एक चैप्टर को तुमको कैसे लेके चलना है, तुमको एक एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अलग अलग तरीके से कैसे लेके चलना है, किसके लिए क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, कौन से सवाल तुमको इंटेक्स करने, किसमें तुमको कौन सी चीज अवॉइड करनी है, सब कुछ कवर करके दूंगा। भाई तुम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हो फिजिक्स पढ़ पढ़ के यार। ये वीडियो खत्म होते तो तुम्हारी इतनी आंखें खुलने वाली ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा एक चीज और बताता हूँ कि मैं जो इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में, अगर तुम की कोई चीज भूल जाओ तो मैं एक पूरी पीडीएफ तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा जो तुम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर इस वीडियो के नोट्स हैं कि मैंने एक एक सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पढ़ने को और क्या क्या नहीं पढ़ने को बोला, तो तुम वो डाउनलोड करके याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो उस वीडियो को। चलो तो अब आते हैं उस चीज के ऊपर जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी और मैं तुमको एक एक चीज बड़ी डिटेल में और बहुत आसान करके बता दूंगा यहाँ पर। देखो भाई अब जीवन की समस्या कुछ ऐसी है कि जब फिजिक्स समझ आ रहा था तब केमिस्ट्री नहीं समझ आ रहा था, फिर जब केमिस्ट्री समझ आने लगा तो बायो समझ नहीं आ रहा, और जब बायो तो समझ नहीं आता है। ये तीन सब्जेक्ट तीन टीचर देने का क्या लॉजिक है यार, एक एक के अंदर कुछ भी पढ़ा देता है। साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के बस। भाई एक सीक्रेट बात बताऊँ, साइंस तब तक ही अच्छा लगता था जब वो सिर्फ साइंस था, जिस दिन वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो बना ना भाई हालत खराब हो गई उस दिन से। क्या आप भी अपने साइंस से परेशान हैं? क्या आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कैसे साथ में लेके चलें? क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी में क्या हो रहा है आपकी? कोई बात नहीं, प्रणय भैया है ना आपके, ये tolnav.com ऑलराइट व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली लिसनर्स फिल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और आज मैं करके आया हूं शैंपू, तो मेरे बाल ऐसे हो गए, सारे बिगड़ गए। ठीक है चलो इसको कट कर देना, और हो सके तो इस क्लिप को ऐसा डिलीट करना कि मिले ही ना। तुम लोगों के लिए नहीं, वो हमारे जो एडिटर भैया उनके लिए मैसेज है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दो कि हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल तो ऑलरेडी था ही, तो दोनों तुम ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक के, जितने भी नए नए अपडेट्स हैं, नई नई चीजें सारी वहां पर आ जाएंगी, तो मेक श्योर कि तुम व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के ऊपर चैनल ज्वाइन कर लो। Alright, what's going on my lovely students? Well, out there, welcome to Just Pal. और आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले साइंस के बारे में। वीडियो थोड़ा सा अगर लेंदी लगता है तो बिल्कुल परेशान मत होना, एक साथ वीडियो को देखना, पेन पेपर लेके बैठना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बकवास कम होगी और सारी की सारी काम के होते होंगे, थोड़ी बहुत मस्ती का जो पिंच होता है प्रणय भैया का वो तो हो गई होगा, बट इस वीडियो के अंदर मैं तुमको बता दूं कि इतना एनरिच्ड वीडियो तुमको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें मैं एक एक चैप्टर के अंदर घुस के भी तुमको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में कौन सी पर्टिकुलर चीजें तुमको अवॉइड करनी है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक साइंस की ओवरऑल स्ट्रेटजी है, इसके अंदर मैं चैप्टर के अंदर तुम्हें एनसीईआरटी मार्क नहीं करवाऊंगा, बट ये जरूर बता दूंगा कि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडेक्स क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन, इसको कहां से करना है, न्यूमेरिकल्स कितने करने हैं, भैया फिजिक्स में ऐसा हो गया, बायो में ऐसा हो गया, केमिस्ट्री में ऐसा हो गया, अरे इतनी सारी चीजें होती है। तो इस वीडियो को हम दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, पिछले वीडियो की तरह, जैसे पिछले वीडियो में मैंने पहले तुमको बताया था, दूसरे हिस्से में तुमको डेमो करके बताया था, सेम चीज अभी करने वाला हूं मैं। एक शुरू के पहले हिस्से में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के बारे में चर्चा कर लूंगा कि तीनों कहां कहां से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और फिर दूसरे इस वीडियो के पार्ट में मतलब इसी वीडियो के अंदर आएगा वो लास्ट में, तो वहां पर मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा खुद से कि मैं कैसे कैसे चैप्टर्स को डिफाइन कर रहा हूं, कैसे कैसे बाइफर्केट कर रहा हूं, जो तुमको भी करना है, जिससे तुम्हारी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। चलो तो बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली जंप करते हैं वीडियो के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। अब देखो मुझे पता है कि मेरी राइटिंग खराब है, बट तुमको समझ में आता है मैं बोल बोल के लिख रहा हूं फील देने के लिए। तो सबसे पहला फिजिक्स में जो हमारा सबसे बड़ा संताप है वो ये कि भैया न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं होते हैं, ये चीज हमको समझ में नहीं आती, हमको फॉर्मूले समझ में नहीं आते। अब देखो एंड में जब चैप्टर वाइज आऊंगा तो तुमको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी क्विकली समझो इस बात को कि न्यूमेरिकल्स आएंगे तुम्हारे पेपर में 15 से 20 मार्क्स के। बच्चा वो 60 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अब कहां से ध्यान देना है वो भी तुमको धीरे धीरे बताता हूं। अब देखो एक चीज समझो कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो हमारे वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से आएंगे, जो कि मोशन। अब मोशन के अंदर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे, तो और उसमें भी अगर तुमको प्रैक्टिस करनी है तो उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आर इनफ, मतलब तुम्हें कहीं भी दूसरी किताब को देखने की जरूरत नहीं। अगर तुमने मोशन चैप्टर की इंटेक्स और बैक क्वेश्चंस कर लिए उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही हैं, अगर तुमने उतनी प्रैक्टिस करी तो पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, आपके सारे न्यूमेरिकल के कांसेप्ट्स कवर हो जाएंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करो तो उसमें एक दो टॉपिक्स है जहां से न्यूमेरिकल बनेंगे, बाकी मोशन चैप्टर के अंदर आपके थोड़े ग्राफ के भी क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जो फिजिक्स है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के अंदर कवर्ड है। अगर आपने एनसीईआरटी के इंटेक्स और बैक क्वेश्चंस कर लिए तो आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, और इनफैक्ट जो मोशन को छोड़ के बाकी चैप्टर्स हैं उनमें अच्छे थ्योरी क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इंटेक्स क्वेश्चंस के अंदर, तो इंटेक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखो बाकी अगर थ्योरी क्वेश्चंस की बात करूं फिजिक्स के अंदर तो वो तुम्हारी बुक के अंदर इतने ज्यादा नहीं दे रखे हैं, तो अगर तुम्हें थ्योरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने फिजिक्स के तो वो सबसे अच्छे हैं कि जो भी हेडिंग्स तुमको देती है ना टॉपिक्स की, जितने भी हेडिंग्स लिखी हुई है उन हेडिंग से क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हो सकता है कि बैक एक्सेस में क्वेश्चंस ना हो, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर तुमने वो हेडिंग पढ़ के नीचे जो उसकी एक लाइन दे रखी है जिसमें सब कुछ बताया होगा, अगर वो कर लिया तो तुम्हारा आधा काम वहीं पे सॉल्व होगा। अब फटाफट केमिस्ट्री का भी एक जिस्ट ले रहे थे, तो केमिस्ट्री के अंदर देखो क्या होता है कि आपके इंटेक्स क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन बैक एक्सेस क्वेश्चंस। बैक एक्सेस में बिल्कुल भी अच्छे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, तो अगर आपको केमिस्ट्री की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो या तो आप अपनी एनसीईआरटी की इंटेक्स बुक देख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, जैसे कि मैं ओसवाल की क्वेश्चन बैंक रिकमेंड करता हूं, पिछले वीडियो में तुमको बताई थी। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाहे तुम केमिस्ट्री के लो फिजिक्स के लो हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन जो है बैक एक्सरसाइज में ऐसे नहीं दिए होते, बट
हेडिंग से रिलेटेड आ जाते हैं। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल थॉरली रीड करते हो और एक एक हेडिंग का याद कर लेते हो उसके नीचे जो जो लिखा है, तो आपका काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। बट अगर नहीं कर पाते हो तो क्वेश्चन बैंक आपके लिए ठीक है, बड़ी सही चीज है। इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो भी आने वाले होते हैं, और इसके बाहर एग्जाम में हार्डली कुछ आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एनसीईआरटी में बीच में से कोई चीज मिस कर जाते हैं जिसमें से क्वेश्चन बनता है, तो आप यहां से कर सकते हो। अब देखो केमिस्ट्री पढ़ने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताता हूं तुमको, वो ये है कि तुमको लास्ट से फर्स्ट चैप्टर की तरफ जाना है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले पढ़ते हो और उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर जाते हो 4-3-2-1, तो तुम्हारा जो केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है बहुत नेक्स्ट लेवल डेवलप होती है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता एनसीईआरटी वालों ने उसको 1-2-3-4 क्यों किया 4-3-2-1 की बजाय, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा एक चीज और बताता हूं कि मैं जो इतनी सारी चीजें बता रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में, अगर तुम कोई चीज भूल जाओ तो मैं एक पूरी पीडीएफ तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा जो तुम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर इस वीडियो के नोट्स हैं कि मैंने एक एक सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पढ़ने को और क्या क्या नहीं पढ़ने को बोला, तो तुम वो डाउनलोड करके याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो उस वीडियो को। अब केमिस्ट्री के अंदर जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ही लल्लू होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और एज इट इज उठ के आते हैं। बट दिक्कत बस ये है कि आपके एनसीईआरटी के अंदर बैक एक्सरसाइज में इतने सही से क्वेश्चंस दिए नहीं हुए, तो या तो आप हेडिंग से पढ़ लो या फिर आप अपनी क्वेश्चन बैंक से कर लो, इसके अलावा किसी और रेफरेंस बुक की आपको जरूरत इसमें नहीं है। अब रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो भैया केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है मेनली सेकंड और थर्ड चैप्टर से बनते हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर के अंदर तो आपका सिर्फ एक टाइप का न्यूमेरिकल होता है वो एम बाय एम और एम बाय वी वाला, और थर्ड चैप्टर के अंदर आपका थोड़ा मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल्स होता है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट एक बार अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया तो तुमको उससे ऊपर और कुछ भी नहीं लगेगा। अब इसके बाद में क्विकली जिस्ट पे आते हैं बायोलॉजी के, भैया बायोलॉजी के अंदर क्या है, तो बायोलॉजी इज वेरी वेरी मोर लाइक सोशल साइंस। तो मैं अगर समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बट बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके जो चैप्टर्स हैं मात्र दो चैप्टर्स इसके अंदर, क्योंकि एक फूड वाला है वो अलग चैप्टर में गिन रहा हूं। बट बायोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है जो कि हर कोई कर सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी को समझ में आया ना है वो नहीं कर सकता, बट बायोलॉजी ऐसी चीज है कि भाई इसमें समझने से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें याद ही करना, और आज तक जिंदगी भर तुमने याद ही किया है। तो बायोलॉजी जो हमको जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है ना, वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और यहां पर मैं तुमको बताता हूं कि क्यों तुम फिजिक्स पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और बायोलॉजी की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, समझ में आएगा तुमको वो भी। अब देखो बायोलॉजी पढ़ना इतना फुद्दू काम है कि कुछ नहीं करना तुमको, सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी कि मेरा लेक्चर उठा के देख लेना है। मैंने दोनों लेक्चर्स यूट्यूब पर भी डाले और बहुत मिलियंस में व्यूज है दोनों के ऊपर, बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स हैं। और उन लेक्चर्स के थ्रू अपने खुद के फ्लो चार्ट बना लेना। फ्लो चार्ट क्या होता है कि तुमने एक पेपर लिया, एक पेपर पूरा खुद एक मतलब पूरा A4 साइज का पेपर लेना, ब्लैंक किसी नोटबुक से मत लेना, पूरा पेपर लेना, बीच में चैप्टर का नाम लिख देना या ऊपर चैप्टर का नाम लिख देना, जैसे फॉर एग्जांपल टिश्यूज लिख दिया। अब इसके अंदर तुम फ्लो चार्ट बनाते जाओ कि भैया प्लांट, फिर उसके बाद में तुमने लिखा एनिमल, फिर उसके बाद में तुमने प्लांट में फलाना फलाना टाइप्स लिखी, एनिमल में फलाना फलाना टाइप्स लिखी, और हर टाइप के तुमने चार पांच प्रॉपर्टी। इस टाइप से तुमको ट्राई करना है कि तुम बायोलॉजी के जो दोनों चैप्टर्स हैं उनको एक या मैक्स टू मैक्स दो फ्लो चार्ट्स के अंदर अंदर खत्म कर दो। पहले चैप्टर को मान लो एक दो फ्लो चार्ट्स में तुमने खत्म कर दिया एक दो पेज के अंदर, और दूसरे चैप्टर को भी तुम एक दो पेज के अंदर खत्म कर दो, तो वो जो तुम्हारी चीज बनेगी ना, मतलब वो इतनी नेक्स्ट लेवल होगी कि वहां से तुम्हारे सारे आंसर्स पक्के बनेंगे। और इसके साथ में सोने पे सुहागा ये हो जाएगा कि अगर तुम एनसीईआरटी के इंडेक्स और बैक क्वेश्चंस कर लेते हो, या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा ये होगा कि तुम क्वेश्चन बैंक के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर। अब जो हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वो तो भैया फ्री के 6 मार्क्स तुमको मिल रहे हैं उसमें जो लास्ट का चैप्टर है, ठीक है। चलो तो अब आते हैं उस चीज के ऊपर जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, और मैं तुमको एक एक चीज बड़ी डिटेल में और बहुत आसान करके बता दूंगा यहां पर। चलो भैया सबसे पहले आता है केमिस्ट्री के ऊपर, तो केमिस्ट्री तुम्हारा 25 मार्क्स का, ठीक है। फिर तुम्हारा बायो है 22 मार्क्स का, ये 27 मार्क्स का और 6 मार्क्स का। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझो, ये जो चैप्टर है तुम्हारा फूड प्रोडक्शन ये वाला, ये चैप्टर तुम्हारे फ्री के 6 मार्क्स है, तो इसको करना ही करना है। अब तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट आंखें खोल देने वाली चीज बताता हूं। तुम्हारा जो फिजिक्स है पूरा का पूरा, वो फिजिक्स आ रहा है 27 मार्क्स का, 27 मार्क्स के अगेंस्ट में तुम्हारे पास में चैप्टर्स है 5, मतलब करीब करीब 5-6 नंबर का एक चैप्टर है तुम्हारा, राइट। अब 5-6 नंबर के एक चैप्टर के पीछे तुम ज्यादा मेहनत करोगे या फिर तुम्हें 6 नंबर जो तुम्हें फ्री में मिल रहे हैं एक चैप्टर से उसमें ज्यादा मेहनत करोगे, तुम खुद बताओ। दिक्कत पता क्या है कि दिक्कत यह है कि हम फिजिक्स को एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। भाई मेरी जान एग्जाम के अंदर फिजिक्स अलग से नहीं आएगा, इसी में आएगा। तो अगर तुम लोग फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बिल्कुल भी मोशन समझ में नहीं आ रहा है, अब मोशन कितने मार्क्स का आने वाला है, 5 मार्क्स का आने वाला है, तुम इसके ऊपर मेहनत करते जा रहे हो करते रहो, 2-3-4 दिन लगा दे, तुमको समझ में नहीं आया, बट वहीं पे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स तो छोटा सा चैप्टर था, कुछ भी नहीं उसमें, बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल थ्योरी वाला चैप्टर है, तो 6 मार्क्स तुम अपने सिक्योर यहां से तो कर सकते हो। तो ऐसे होती एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई। एक टॉपर ये नहीं देखता कि उसको सब आता है कि नहीं आता, एक टॉपर ये देखता है कि जहां से सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे वहां से लूट लो। तुमको ये दिमाग होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो ROI माइंडसेट होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला। तो एक चीज इसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट लग रही है और 6 के नंबर फ्री के मिल रहे हैं, पूरा थियरी। सिमिलरली अब एक और बात करता हूं तुमको, ये देखो अब तुम्हारा जो बायोलॉजी वो है 22 मार्क्स का, इसका मतलब तुम्हारे दो जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यूज, ये दोनों 11-11 मार्क्स के आएंगे। अब अगर 11 मार्क्स का एक चैप्टर आ रहा है तो कितना ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें हमारे फ्लो चार्ट और कुछ क्वेश्चन से ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो तुम सोचो कि कितनी आसानी से तुम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यूज इन दोनों चैप्टर्स को कर सकते हो, 11-11 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री तुम्हारे 25 मार्क्स का, अगेन 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड, तो करीब करीब 6 मार्क्स का एक चैप्टर आएगा तुम्हारा। अब 6 मार्क्स के एक चैप्टर के लिए तुम समझो इस बात को कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, सबसे ज्यादा जो तुम्हें न्यूमेरिकल्स सताते हैं वो होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब तुम इस बात को ध्यान से समझो कि अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कोई
न्यूमेरिकल आता जो तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो एक क्वेश्चन अगर आता है तो 2 या 3 मार्क्स का तो आएगा, यानी कि बचा हुआ थ्योरी पोर्शन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से कितने मार्क्स का आ सकता है, 3 या 3 मार्क्स का सकता है मैक्स टू मैक्स। तो अगर मैं पूरा चैप्टर भी इग्नोर कर देता हूं तो मेरे 6-7-8 मार्क्स सेक्रीफाइस होते हैं। तो मैं तुमको यहां पर चैप्टर इग्नोर करने का नहीं बोल रहा, मैं तुमको अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारा जो कोर्स है वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है स्कूल में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर ये नहीं कि तुमको चैप्टर छुटवा दूं या ऐसा कर दूं, मेरा ऑब्जेक्टिव तुमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना सिखाना है कि भैया ये जो साइंस का वीडियो, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आज देखो और फिर मैं एग्जाम के पहले वापस से एक वीडियो लेके आ जाऊं कि अरे भैया ये 10 दिन में 99% आ जाएंगे, 5 दिन में 99% आएगा, 2 दिन में 99%। ये वीडियो एक ऐसा वीडियो जो कि तुम पूरे साल में हर महीने हर दिन अगर देखते हो तो वो एक एक दिन वीडियो रेलेवेंट लगना चाहिए तुमको। अब देखो एक बड़ी सिंपल सी चीज करते हैं, ये सब हटा देते हैं यहां से। अब हम समझते आते हैं कि हमको कौन से चैप्टर को कैसे फोकस करना है। देखो ये वाला चैप्टर तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल्स वाला है, तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से निकल जाएगा क्योंकि तुम इंडेक्स और बैक क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो काफी हद तक तुम इसमें से सारी चीजें कर पाओगे। फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करते हो तो यहां पर तुम थोड़े थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके थोड़े न्यूमेरिकल कर सकते हो। ये मतलब मान के चलो कि 70-30 है, यहां पर 70 तुम्हारा थ्योरी पार्ट है और 30 न्यूमेरिकल पार्ट है। सेम गोज विद ग्रेविटेशन, 70-30 तुम इसमें मान सकते हो। अब देखो हर चैप्टर का बायफर्केशन मैं तो तुमको नहीं बता सकता, बट जितना मैंने पढ़ाया मैं 2-3 साल से बता रहा हूं चीजें, तो मुझे पता है कि किस चैप्टर में कहां कहां पे ज्यादा समस्या आती है। अब वर्क एंड एनर्जी की बात करो तो वर्क एनर्जी में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता था जो कि था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि अब इस साल आई गेस डिलीटेड है। आप एक बार और कंफर्म कर सकते हो, बट इट इज डिलीटेड। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि वॉट वाला होता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो आ ही नहीं रहा है, तो वो चीज हट गई। और साउंड जो है ये तो मतलब ये मान के चलो कि 80% थ्योरी पेपर है, 80%, और इसमें जो बचे 20% न्यूमेरिकल्स है ना, वो 20% न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर तुमको स्पीड ऑफ साउंड पता है तो तुम वो कर लोगे। इसका मतलब भैया पूरा का पूरा फिजिक्स बहुत आसान है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को जहां पर आती है वो आता है मोशन के न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स। तो मोशन के न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स अपने आप में एक अलग चैप्टर ट्रीट कर लो, इसको एक अलग ही चीज ट्रीट कर लो। तो क्या हमारी प्रायोरिटी मोशन में 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक माथा खपाना है? नहीं, हमारी प्रायोरिटी है अपने पूरे साइंस को सही बनाना। तो इसलिए तुम इस चैप्टर को समझ रहे हो, फील समझ रहे हो तुम क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब देखो ये 3-4 चैप्टर अगर तुम करते हो तो काफी हद तक तुम्हारा फिजिक्स हो जाता है। भाई बायोलॉजी के लिए तो मैं तुमको बोलता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई साहब बायोलॉजी तो हर बच्चा कर सकता है। तुमको लगेगा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, हमको समझ नहीं आ रहा, इतने सारे नाम है, अरे मेरी जान, जब तुम वो एक फ्लो चार्ट बना लोगे, या फिर अगर तुम खुद से फ्लो चार्ट नहीं बनाते हो तो भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन बैंक के अंदर हर चैप्टर के पहले तुमको फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर देखो हर चैप्टर का फ्लो चार्ट दिया हुआ है। अगर तुम इतना फ्लो चार्ट, वैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि खुद से बनाओ लेक्चर देख के, अगर तुम खुद बना लेते हो ना तो भाई तुम्हारा मतलब एक बार की मेहनत रहेगी, 2-3 घंटे मेहनत लग सकती है, बट इतने सही तरीके से तुम्हारा होगा ना तुम सोच भी नहीं सकते। 11 में से 10 तो तुम्हारे पक्के पक्के बन जाएंगे सिर्फ फ्लो चार्ट और क्वेश्चंस करके। और अब अगर बात करें केमिस्ट्री की, अब केमिस्ट्री ऐसी चीज है जहां पर बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारे दुविधा होती है कि कंसेप्ट समझ भी ले तो भाई कुछ और उल्टा निकल आता है, तो वो दिक्कत हमेशा केमिस्ट्री में रहती है। बट इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें जो कि आती ही आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम इस मैटर राउंड ऑफ प्योर में एम बाय एम के जो फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स हैं ये अगर तुम कर लेते हो तो भाई 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, ये बहुत आसान है। देखो ये स्ट्रेटेजी अब जो बनती जा रही है ना धीरे धीरे, वो वैसी बन रही कि एग्जाम के बिल्कुल तुम एक दिन पहले देख रहे हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुम्हारे तीनों जो मॉडल ऑफ एटम है वो तुम कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बहुत सारे स्कूल्स में हो सकता है कि अभी तक के चैप्टर्स हुए नहीं हो, बट मैं तुमको अगर अभी से तुम सोचो, इमेजिन करो कि तुमको अभी से इतना सब कुछ पता है और जब टीचर तुमको पढ़ाएंगे क्लास के अंदर तो तुम किस लेवल पे पहुंच चुके हो कि तुमको चीज जैसे जैसे पढ़ाते आ रहा है वैसे तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये स्किप करने लायक है कि नहीं है, समझ में आ रही बात। और अल्टीमेटली ये जो चैप्टर है ये तुम्हारा सबसे ज्यादा तुरुबका इक्का है क्योंकि ये 6 मार्क्स एज इट इज लाके देगा। अब देखो ऑल इन ऑल तो मैं फटाफट से जिस दे देता हूँ कि केमिस्ट्री अगर तुम्हें पढ़ना है तो ट्राई करो कि तुम नीचे से ऊपर पढ़ो एक बार, मतलब अगर तुम्हारे एक बार स्कूल में सारे चैप्टर हो जाए तुम्हें थोड़ा टाइम मिले तो तुम एक दिन निकाल के केमिस्ट्री पूरा पढ़ सकते हो नीचे से लेकर ऊपर तक जाने में। इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में न्यूमेरिकल से एक बार कंफर्म कर लेना, अगर मोल कंसेप्ट नहीं आ रहा है तुम्हारे स्कूल के अंदर तो तुम उसको पूरी तरीके से छोड़ सकते हो जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। अगर वो छूट जाता तो बाकी तो पूरा पूरा आसान है। इसके बाद भैया क्वेश्चन कहां से करना है तो इसमें इसके अंदर अगर केमिस्ट्री की बात करो तो इंटेक्स क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस इतने कुछ खास है नहीं, वो बहुत ज्यादा इधर उधर के दे रखे हो, फालतू के उसमें एक्सपेरिमेंट वाली बातें तो उससे ज्यादा मतलब नहीं है। इसके अलावा तुमको क्वेश्चन बैंक लगेगा तो क्वेश्चन बैंक इसमें प्रैक्टिस कर लेना जरूर। और जब रिवाइज करो तो एक बार सारी हेडिंग्स पढ़ लेना भैया पूरे चैप्टर के अंदर, जो जो भी हेडिंग्स होती है ना जो बिल्कुल ब्लैक बोल्ड में होती है और उसके नीचे पैराग्राफ होता है वो हेडिंग पढ़ लेना, तो उससे तुमको काफी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो यहां से इस टाइप से तुम्हारा केमिस्ट्री काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। और रही बात न्यूमेरिकल की तो मैं तुमको बता चुका हूं ऑलरेडी। अब बात करते हैं फिजिक्स की, आ जाओ फिजिक्स के ऊपर आ जाओ फटाफट। फिजिक्स के अंदर मोशन तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर है तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कर डालो, एनसीईआरटी के बाहर किसी भी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर सफिशिएंट टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज में 90% क्वेश्चंस तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं तो वो सफिशिएंट है। दूसरा इसमें सेम चीज ऑलमोस्ट तुम्हारी केमिस्ट्री जैसी है कि भैया एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, खैर फिजिक्स में एनसीईआरटी के इंटेक्स और बैक दोनों इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में बैक एक्सरसाइज के इतना वेटेज
एक्सरसाइज नहीं है, बट फिजिक्स के अंदर तुम्हारा बैक एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और थियोरी क्वेश्चन के लिए बैक एक्सरसाइज भी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में तुमको न्यूमेरिकल ज्यादा दिए हुए हैं तो, और न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर कम आना है, मतलब करीब करीब 30% न्यूमेरिकल्स आएंगे, बचाओ 70% पेपर तो थ्योरी आएगा, तो थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के अगेन तुम या तो हेडिंग पढ़ लो या फिर क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर लो। तीसरा आता है बायोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी के अंदर सेम चीज फ्लो चार्ट बना लोगे और इंडेक्स बैक क्वेश्चन कर लोगे, थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर से प्रैक्टिस कर लिए आराम से बन जाएगा, 22 में से 22 मार्क्स बनाने और जो बचाओ 6 मार्क्स है तुम्हारा यहाँ से निकल के आएगा। तो इस तरीके से तुम पूरे साइंस को जब एज अ होल ट्रीट करोगे ना, तब तुमको समझ आएगा अगर तुम्हें एक एक चैप्टर के पीछे भागने लगे कि ये चैप्टर नहीं हो रहा, इसका ये पोर्शन समझ में आ रहा है मेरी जान, उस पोर्शन की उतनी वेटेज अगर एग्जाम में नहीं है तो आज क्यों उसके पीछे अपनी पूरी एनर्जी लगा के पढ़े हुए हो। मैं ये नहीं बोलता कि उसको मत पढ़ो, मैं बोलता हूं कि ये मान के चलो कि नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा चैप्टर बहुत आसानी से ज्यादा नंबर लाके दे रहा है, ये माइंडसेट होना जरूरी है डे वन से। तो दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो चुका वीडियो बट बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रखा है मैंने इस वीडियो को, जाके ताकि तुम्हारा एक ऐसा ना हो कि तुमको बार बार मेरा वीडियो देखना पड़े, मैं फिर साइंस का वीडियो हर दो चार दिन में अपलोड कर दूं व्यूज आए तो वो काम मैं नहीं करता, मैं 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में साइंस का एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो ऐसा करूंगा कि तुम पूरे साल भर रोज भी उसको वीडियो को देखो तो उतना ही रेलेवेंट लगने वाला है, चाहे एग्जाम का एक दिन पहले आए या चाहे एग्जाम 6 महीने बाद हो। तो दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर तुम फॉलो करो @ कौन पढ़े, सब्सक्राइब नहीं किया तो 7 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है, बहुत जल्दी करने वाले हम, और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।